आबिद हुसैन खान जिले सदर बीजेपी कुलगाम ने म्यूनिसिपल मेंबरान औकाफ कमेटी देवसर, सिविल सोसाइटी देवसर और दीगर मौसस शहरी देवसर के अवामी प्रोग्राम में शिरकत की। खान को बतौर मेहमान खसूसी मदू किया गया था। औकाफ कमेटी देवसर, सिविल सोसाइटी देवसर और दीगर ने आबिद पर एतमाद किया। हुसैन खान के वो तवील अरसे से जिल अल्तवा मसले को हल करने में हमारी मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि टाउन देवसर को टाउन की नहीं मॉडल विलेज की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पीडीडी मीटर हटा दें। आम लोगों ने खान से दरख्वास्त की कि बीजेपी हुकूमत के तहत तवील अरसे से ज़र अल्तवा मसले को हल किया जा सके। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं, जो 2006 का फैसला था जो थोपा गया यहाँ के लोगों, दूसरे टाउन के लोगों के साथ, ये सरासर नाइंसाफी है। जंगल एरिया में टाउन देना कानूनी गलत है और उसके साथ साथ यहाँ पर मीटर्स नस्ब करना वाकई नाइंसाफी है। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ के लोगों के पास दो वक्त की रोटी नहीं है। टाउन किस चीज़ काम? टाउन के साथ साथ ये तहसील भी है दूसर, तहसील में डिग्री कॉलेज नहीं है। एक तहसील में मुंसिप, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बैठना चाहे, रेंज ऑफिसर, कहाँ है ये व्यवस्था? आज हमने ये तय पाया, हम यूनियन मिनिस्टर को भी यहाँ लाएंगे, हम सड़कों पर निकलेंगे, मास एजुकेशन आने वाले समय में बचाएंगे। मैंने वादा किया है, जिस तरह मैंने कहा उनको दूसर से मिलाएंगे, किया वो काम मैंने, आज मैंने वादा किया यहाँ के लोगों को टाउन डिनोटिफाई करके रहेंगे। उसके लिए हमें किस हद तक जाना पड़े जाने के लिए? एक आखिरी सवाल सर, सरकार में रह के आपको लगता है कि जेन्युइन डिमांड है, और क्या आपको लगता है जो पिछली सरकार है थी उन्होंने यही लोग तो उनका साथ दे रहे थे, आज ये खुद डिमांड कर रहे हैं, आपको लगता है इस जंग में आपको कामयाबी मिलेगी? मैं यही कहना चाहता हूँ, आज का युवा बेदार हो चुका है। आज का युवा यही समझता है कि वोट की सियासत नहीं है, जिस तरह पिछले समय उनको इस्तेमाल किया गया। आज ये मैच्योर लोग हैं, तब जाके मैं इनके बीच में आया, इनकी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इनको हक दिलाना मेरा अवलिन फर्ज। शुक्रिया। यूनियन मिनिस्टर आएगा, हम आवाज इससे दुगना बुलंद करेंगे। अगर आज सी अमेरिका के लोग भी बेदार नहीं होंगे, आज बिला मजहब मिलत, बिला रंग नस्ल, सियासी जमातों को बालातर रखकर जो है आज आप लोग जो सर की खिदमत के लिए आ गया है, क्या कहना चाहेंगे डेमोक्रेसी के हवाले से जो आप लोग आज तहरीक चला रहे हैं? जी साइड फ्रॉम द पॉलिटिक्स, में यही कहना चाहता हूँ दूसर की सरकार से, हम चाहते हैं कि टाउन को डिनोटिफाई किया जाए, क्योंकि जंगल एरिया में रहते हैं ये लोग जिनके दो वक्त की रोटी नहीं है। तीन हज़ार रुपये इनकी बिजली बिल आती है, दो हज़ार ढाई हज़ार उनको पीएचई की सप्लाई की बिल आती है। हम चाहते हैं कि इसको डिनोटिफाई किया जाए। ऐसा ना हुआ कि आने वाले समय में जन आंदोलन कायम होगा, मास प्रोटेस्ट होगा। पहला एफआईआर अगर गवर्नमेंट को करना है वो आबिद खान को करे। मैं आज हमने संकल्प लिया, जिस तरह ब्रिनिल लामड़ गंगार लोगों को मैंने आश्वासन दिया कि डेमिटेशन में आपको दूसर से मिला जाएंगे, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुझे अपनी सरकार पे भरोसा है, एलजी शासन पे भरोसा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पे भरोसा है कि आने वाले समय में इसको हम डिनोटिफाई करके रहेंगे, जुद्दोजहद हमारा जारी रहेगा। शुक्रिया।